साल 2024 में 22 जनवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है, क्योंकि इस दिन अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा। इसके लिए लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान राम को मानने वाला हर वो व्यक्ति इस खास पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उत्साह न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम लोगों में भी देखा जा रहा है। कंधे पर केसरिया ध्वज, मुख पर एक ही नारा जय श्री राम, और मुंबई से अयोध्या तक की पैदल यात्रा, और मकसद सिर्फ रामलला के दर्शन करना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रहने वाली शबनम की, जो लगभग 1600 किलोमीटर का सफर तय करके अपने दोस्तों रमन राज शर्मा और विनीत पांडे के साथ अयोध्या यात्रा पर निकली है। प्रभु राम के प्रति उनका प्रेम देखकर हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि शबनम खुद को सनातनी मुस्लिम बताती है, वो अब कौमी एकता की मिसाल बन चुकी है। शबनम फिलहाल सफर तय कर रही है। उनका मानना है कि भगवान राम की पूजा करने के लिए किसी को हिंदू होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसके लिए इंसान होना ही काफी है। भगवान राम सबके हैं। शबनम शेख की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 3 पुलिस कर्मियों को शबनम की सुरक्षा में लगाया है। इनमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। शबनम बताती है कि जब सूरज ढलता है और अंधेरा होता है तो वो अपनी यात्रा रोक देती है और किसी मंदिर या धर्मशाला में एक जगह पर रुक जाती है, और सुबह की किरण निकलते ही पदयात्रा फिर शुरू कर देती है। शबनम की इस यात्रा के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वो यात्रा करती हुई दिखाई दे रही है। शबनम और उसके दोस्तों का कहना है कि राम के प्रति अटूट आस्था ही उन्हें प्रेरित करती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब कई लोग शबनम से मिलने आ रहे हैं, साथ ही स्थानीय पुलिस भी उनकी मदद कर रही है ताकि यात्रा में किसी तरह की परेशानी ना हो। शबनम मंगलवार को देवास पहुंचे, यहाँ हिंदू संगठनों ने भगवा पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। शबनम ने हिजाब पहन रखा है, उनके माथे पर लाल तिलक लगा है, बैग पर पवन पुत्र का ध्वज है। शबनम ने कहा, न पैसा लगेगा न खर्चा लगेगा, एक बार जय श्री राम बोलकर देखो, अच्छा लगेगा। राम सबके हैं, मैं उनके दर्शन करने जा रही हूँ। उनकी पूजा करने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, ये धर्म के ठेकेदार हम जैसे मिडिल क्लास वालों को डराते हैं। शाहरुख सलमान तो मंदिर जाते हैं, उनके खिलाफ फतवा जारी करके दिखाएं। शबनम कहती है, राम की पूजा करने के लिए हिंदू होने की आवश्यकता नहीं है, बस दिल साफ होना चाहिए। यदि आप अच्छे इंसान हैं तो राम जी आपके हैं, राम जी सबके हैं। मैं मुस्लिम हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं क्यों राम जी के लिए जा रही हूँ। मेरा ये मानना है, मैंने हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया है, बाप दादा ने पड़ोसी मुल्क का रास्ता नहीं चुना। बचपन से मैं राम जी के बारे में सुनती आ रही हूँ, रामायण देखी है, महाभारत देखी है, रामलीला देखी है, राम जी के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुकता है। मैं अक्सर मथुरा जाती रहती हूँ, वहाँ बहुत सुकून मिलता है। आप तो ये मान लीजिए कि मुंबई मेरा पहला घर है और मथुरा दूसरा। राम जी के प्रति शबनम के इस अटूट प्रेम को देखकर हर कोई हैरान है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार और जय श्री राम।